Hari Om Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Padma Bana Raja Hangsahi Namo Achyuta Brahma Charani Saranama Goyi Aho Nama Gyana Padma Bana Raja Hangsahi Namo Achyuta Brahma Charani Saranama Goyi Aho Nama Gyana मालवासी है मनमाथ प्रभु सुन्य पुरुषा होनी लगाना ना करी है कोड़ी काला भविष्य पद्मा बना राजा हंसा है नवचुता ब्रह्मा चरणे सरण मागई आऊँ न मागे आना बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सुधि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आजीर अध्यार आलोचना को आपण मान स्वागत जनाऊ आजीर अध्यार आलोचना रे मैं आलोचना करूचे महापुरुष अच्युतानंद कलिजुग भविष्य मालिका जहाँ को गरुड़ महाप्रभु कथोपकथन महापुरुष अच्युत शुणी कही शिष्य रामचंद्र आगे एवं याद्वारा कलिजुगर मनीष ये ज्ञान पाई शंका समाधान हो पार गत अध्याय गुड़ी करे हमें सात प्रकार गुरु संसार अच्छा से विषय आलोचना करूले एवं सर्वोपर महापुरुष कहते परम गुरु कारण गुरु सी ये भव सागर जी आमको पार कर आत्मार सदगति कर परम गुरु कारण गुरु सी आज आम आलोचना करवा आपण मैंने हे ज्ञानी गुणी मंडली अनेक कहती छपन कोटी जी बजंतु तेतीस कोटी देव अच्युत बोले विष्णु भक्ति न्यार वासना थीव अच्युत बोले विष्णु भक्ति न्यार अच्युत बोले विष्णु भक्ति जार वासना महापुरुष कह छपन कोटि जीव जंतु तेतीस कोटि देव अच्युत बोले विष्णु भक्ति जार वासना थीव छपन कोटि जीवजंतु आम जान तेतीस कोटी देवता चौराशी लक्ष जोनि सतरे हे ज्ञानी गुणी मंडली ये कथा गुड़ी को शुणिले पढ़िले आम को गोटे आश्चर्य भाई लगे नहीं सतरे कौन छपन कोटी जीवजंतु अच्छा सतरे कौन तेतीस कोटी देवता मान अच्छा संसार रे सतरे कौन चौराशी लक्ष जोनि रही चौराशी लक्ष जोनि आत्मा चौराशी लक्ष जोनि आत्मा घुरु था महापुरुष अच्युतानंद यार समाधान करदि आम मन भितर ये प्रश्न थी शंका थी पारे अनेक सतर कौन चौराशी लक्ष जोनि अच्छी चौराशी लक्ष चौराशी ही था ना चौराशी लक्ष चौराशी लक्ष शरीर जोनि गोटे गोटे किंबूत किंबाकार भाया लगुन कितु ना महापुरुष अच्युत कले नाई रे बाबा जदि अच्छा चौराशी लक्ष जोनि कौन कौन महापुरुष मालिका ये सब शंका को समाधान कर प्रकृत रे चौराशी लक्ष जोनि चौराशी लक्ष शरीर कौन चौराशी लक्ष जोनि राजा कुमार जहाँ
बुझा कलु प्रजाकुमार जहा बुझा कलु प्रजाकुमार चौरासी लक्ष जुनि विचार जहा पुछा कलु ब्रजकुमार ज्ञानी गुणी मंडल सतरे चौरासी लक्ष जुनि अच्छी ना हाँ अच्छी शिष्य रामचंद्र पचारुचंद गरुड़ कवि भगवान कथोपकथन महापुरुष अच्युत शुणी शिष्य रामदास पचार गुरुदेव सतरे कौन चौरासी लक्ष जुनि अच्छी हाँ कौन ना चौरासी लक्ष जुनि विचार जहा पुछा कलु ब्रज कुमार ये ब्रज कुमार जहाँ मत पचारू शुणी नहीं चौरासी लक्ष शरीर कौन जुनि कौन आपण मैंने हे ज्ञानी गुणी मंडल सुधी ज्ञानी मालिका बचन शुणुं तो मन देखी शुणु चौरासी लक्ष जुनि आम शुणीचे आम पढ़ीचे कि प्रकृत चौरासी लक्ष जुनि कौन 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 जाणी हाँ अनेक जाणी कि जो मैंने जाणी ना आप शुणी नि महापुरुष अच्युतानंद कलिजुग भविष्य मालिकार कौन कहते अरे बाबू रे स्थावर विंसल क्षटी प्रमाण सहस्त्र वचन कहुची सुना सहस्त्र वचन कहुची सुना सहस्त्र वचन कहुची महापुरुष कहले हे रामचंद्र ये मो कथा नुहे ये मोर कथा नुह ये शास्त्र कथा ये शास्त्र कथा ज्ञान गुणी मंडली प्रभु बोले अवतार शास्त्र वाक्य माने शास्त्र कथा को सब बड़े मानवा दरकार शास्त्र को सब बड़े सम्मान दवा दरकार शास्त्र से गीता ही था भागवत ही था रामायण शास्त्र ही था महाभारत शास्त्र ही था पुराण शास्त्र ही था अठर खंड पुराण शास्त्र ही था ये सब शास्त्र जहाँ रही आमर शास्त्र ये शास्त्र रु आम संस्कृति आमर संस्कृति सबु संस्कृति उपरे नुहे सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा कहुची सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा जो संस्कृति सबु संस्कृतिर ऊर्धरे ताउची भारतीय संस्कृति जे जो संस्कृति देव संस्कृति वेद संस्कृति वेद रु ये संस्कृति आसी एवं ऋषि संस्कृति बोली कह देव वेद एवं ऋषि संस्कृति बोली कह देवता माने तयारी कर ऋषि माने संस्कृति को तयारी कर नीति नियम तेणु ज्ञानी गणी मंडली ये शास्त्र पुराण को जी निंदा करे ताको आम स्वीकार करवा ना आम शास्त्र आम के बहुत महान नुहे तेणु शास्त्र वाक्य माने कि संसार रे चलिबा दरकार कलिजुगर मनीष तो ध्यान देवे हे ज्ञान गुणी मंडली शास्त्र कथा माने कि चलिबा दरकार शास्त्र संस्कृति संस्कृति अनुसार आम चलनी हवा दरकार संस्कृति आम संस्कृति अनुसार आम चलनी पाश्चात्य संस्कृति अनुसार आम चलनी करिबा नाही ध्यान देवे कथा उपरे पाश्चात्य संस्कृति द्वारा बा पाश्चात्य संस्कृति नीति नियम आम से आम संस्कृति आम चलिबा ना आम संस्कृति नीति नियम अनुसार आम चलिबा आम संस्कृति अनुसार चलिबा पाश्चात्य संस्कृति अनुसार चलिबा ना तेनाली महापुरुष कहले शास्त्र पुराण जहाँ लेखा अच्छी शास्त्र वचन कहुची शुण स्थावर विंश लक्षटी प्रमाण ये स्थावर विंश लक्ष चौरासी लक्ष पर कोड़े लक्ष हूँ स्थावर कीट पतंग सब कौन कहले नौ लक्ष जड़ज जोनी कृमि कीट एगार लक्ष जानी कृमि कीट एगार लक्ष जानी कृमि कीट एगार लक्ष जानी स्थलचर स्थावर कहले स्थलचर जो मैंने अच्छा ताऊजी विंश लक्ष्य विंश कहले कौन कोड़े स्थावर विंश लक्षटी प्रमाण कोड़े लक्ष्य हो स्थावर जुनि अर्थात
ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଅଟେ ଜଳଜ ଯୋନି। ଜଳଜ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳଚର, ଜଳରେ ପାଣି, ଜଳକରେ ପାଣି, ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କେତେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ଜୋନି ସିଏ? 9 ଲକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମନରେ କହୁ, 20 ହେଲା 9, ଆପଣ ହିସାବ ରଖୁଥାନ୍ତୁ, ହିସାବ ରଖିବେ, ସବୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାବର ହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଜଳଚର ହେଲେ, ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ କେତେ? 9 ଲକ୍ଷ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ବା ଜଳଜ ଜୋନି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୃମି କୀଟ 11 ଲକ୍ଷ ଗଣି। କୃମି କୀଟ ଯେଉଁମାନେ କୃମି ମାନେ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲକ୍ଷ, କେତେ ଜାତୀୟ? 11 ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ କୃମି କୀଟ ଅଛନ୍ତି, 9 ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ଜଳ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, 20 ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାବର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କୃମି କୀଟ 11 ଲକ୍ଷ ହିସାବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ପଶୁରେ 30 ଲକ୍ଷଟି ବହି ପଶୁରେ 30 ଲକ୍ଷଟି ବହି ପଶୁରେ 30 ଲକ୍ଷଟି କହି ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଅଟଇ। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ କେତେ, ପକ୍ଷୀ ଜୋନି କେତେ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଇଏ, କେତେ ପକ୍ଷୀ ନା 10 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ରହିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବା ଜାତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ନାହାନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଗେନାଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ବଗ ଅଛନ୍ତି, ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ତି ବଗ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କେତେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? 10 ଲକ୍ଷ ହିସାବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସଂସାରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ପଶୁରେ 30 ଲକ୍ଷଟି ବହି, 30 ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଜୋନି, ପଶୁ ଶରୀର ହେଉଛି 30 ଲକ୍ଷ। ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼ ଏସବୁ ପଶୁ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି 30 ଲକ୍ଷ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ବାନର ଚଉଲ ଜୋନି ହେରି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ପ୍ରମାଣି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ପ୍ରମାଣି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବନି ପ୍ରମାଣି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ବୋଲେ, ବାନର 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ଘେନି, 84 ଲକ୍ଷ କହିଲେ 4 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି? ବାନର ମାଙ୍କଡ଼, ଇଏ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲି? ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାନର 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ହେନି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ପ୍ରମାଣି ବା 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ପ୍ରମାଣି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ଭ୍ରମିଣା ମାନବ ସରି ଜୀବ ପାଏ ପୁଣ, ମାନବ ସରି ଜୀବ ପାଏ ପୁଣ, ମାନବ ସରି ଜୀବ ପାଏ ପୁଣ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନି ଭ୍ରମିଣ ମାନବ ସରି ଜୀବ ପାଏ ପୁଣ। 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନି ଭ୍ରମଣ କରି 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 ଶେଷରେ ଜୀବାତ୍ମା ମଣିଷ ଶରୀର ଦେବତୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅନେକ
जन्म तपाले मानव जन्म मोहिताले से गोविंदा 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 पादुगाळो अनेक जन्म तप भले मानव जन्म वही तले अनेक जन्मर तपस्या जो देवदुर्लभ मनीष शरीर आमको मिली ना ये गुड़े शरीर प्रमाण दे आप चौराशी लक्ष जोरी सुधानी गोटे अंधटे गोटे निबुज कोठरी रे बंदीशाला रही जाइला जेल रे जेलर तांग निकट रे सी सबुबले प्रार्थना करे अरे आज्ञा जदि ज्ञात अज्ञात मो द्वारा अपराध हो जाइए कौन सी दोष हो दोष पश्चाताप करें प्रायश्चित करने को राजी कि देखु मोर शरीर अवस्था कौन मुंध मोर अवस्था हूँ मुझे जो अंध अंध प्रति कौन आप दया आसुनी आप मत जेल मुकुल दिंतु जेलर कहले देख तुमको जेल रु तो मुझे सीमित धरिकी मुकुल पारे ना ये जो कोठरी तुम्हें अठारे सबु कोटे चौराशी लक्ष द्वार अच्छे कि सबु द्वार निबुज बंद हो भर गोटे द्वार खोला अच्छे ना खुला अच्छे ना हाँ खोला अच्छे तुम से बाट देखिए बाहर की जापार मुझे ये तुमको साहय करी तुम हाथ धरिकी तो नहीं बाहर छाड़ पारे मुझको ये साय करे तुमको बतईदेली चौराशी लक्षटी द्वार अच्छी तादर गोटे द्वारा खोला आ सब जाक निबुजु तेणु तुम से ही द्वार देखिए बाहर की ये कोठरी ए बंदीशाला जापार ए भवबंधन जापार अंधटी कला कला आज्ञा जाओ आपण बड़ कृपा हम जदि आप कोठर कांथेरे दुई हाथ लगेदेवे मुझे अंध मोर आखि ना मुझे देखिपरि कौटा निबुज कोठरी कौटा खोला कोठरी कौटा खोला द्वार कौटा निबुज द्वार ना आपण मोर दुई हाथ को से कोठर कांथेरे लगे दिं मुझे कांथेरे लगेदेले मुंडाली उंडाली 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 हाथ मारी मारिक जी आ मारी 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 देखी सब जाक निबुजु थी मो हाथ लगे जापरि निबुज कौटा बंद कौटा द्वार होटा खोला थी मो हाथ बाजिला कि फांका लगे मुझे बाट देखिए बाहर पड़ेबी मुझे अंध देखा जा मो दुई हाथ को कांथेरे लगे दिं जेलर कहले कह अच्छा ठीक अच्छे ये साय कर दि हाथर अंधर नहीं से कोठरी निबुज कोठर कांथेरे लगेदेले उंडा उंडा ये चाल अंधटे भगवान को स्मरण कला धन्यवाद लगला हा ओह भाग्य आपण को कोटी धन्यवाद मुझे आपड़ एत बड़ साय मत कले ये बंधन रु मत उद्धार पाइबार बाट बतईदे ये बंद कोठरी मत मुकुज रास्ता देखेदे कोटी धन्यवाद मुझे दूची हे महात्मा अच्छा जाओ ये तर अंध हाथ दे कांथेरे उंडा 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 चल रहा जोटी हाथ मारू थाए देख ला बंद पुणी ताक गोटे जगार हाथ मारा से बंद से द्वार ये कांथेरे हाथ मारी 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 अंध जाऊ थाए अनेक दिन बीतीगला अनेक समय बीतीगला बीती जावास वर्ष एमती अनेक बीतीगला बीति 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 अंधकला मतलब ठगीदेला कि ये जेलटा मत बोध ठगीदेला ना कौन ये कौ द्वार खोला ना सब जाक निबुजु आ कहीं खोला कहीं कही गोटे द्वार खोला कि भाई कांथेरे हाथ मारी 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 देखु थाए निबुजु 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 गोटे जगार पहुँचला से जगार पहुँचला क्षणी समय अंधर शरीर टी कई कंडेला कहीं से द्वार टी खोला था से द्वार खोला था मलय पवन बहुत थाए मलय पवन बहुत जो अंधर काछकुंडिया रोग थाए कंडू रोग टी अंधर थिला कंडू रोग ये भव कंडू रोग तार थिला तेणु से कंडू रोग कंडू रोग जो जो मलय पवन देह बाज जाइए कंडू रोग अच्छे से कुंडे हेला आ कुंडे हेला कि हाथ तार काढ़ला कुंडे किमी हम जोर कुंडे कांडे कांथर हाथ बाहर कर खाली कुंडे कांडे हेला आ कुंडे कांडे हो चलुच आड़े कुंडे कांडे हो किसी समय पर पुणी कुंडे कांडे जो बंद हो गला हाथ माला कहला ये खोला देखिया कि खोला देख देख ला निबुज द्वारा ये सब जगह निबुज आउ उधार पाई ना अंधटी से पड़ी मरीगला
हे ज्ञानी गुणी मंडली सती ज्ञानी ये कहानी टी कहार उद्देश्य अंध हो किए ना आम समस्ते कलीजुगर मनीष हूँ अंध आई जेलर हूँ स्वयं भगवान परमेश्वर ईश्वर भगवान आम को ये संसार को छाड़ आत्मा को अरे बाबू रे गुंडाड़ी गोटे शरीर तोर मुक्ति अच्छी रे जीवा आत्मा आई तो शरीर से सुधार को पाई भगवत स्मरण कर कि आम कंडू रोग अच्छी कौन कंडू आसंदा देहल आलोचना करवा ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जाने आत समय तो आसन बाणी की विराम दवा प्रभुंर नाम नहीं पुणी जड़े भक्तर ना कह से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म जहाँ विषय महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष ते मालिका सत्र भक्त तालिकार ना लिखे रामेश्वर लिंग रही राजे भकत जाति अटे कुम्भार झरिबे हे राजे भकत जाति अटे कुम्भार झरिबे हे राजे भकत जाति अटे कुम्भार रामेश्वर लिंग निकटरे झरी बेहरा नाम विरूपाकूल जन भक्त जन्म होती कलीजुगे ज्ञानी गुणी मंडली आपड़ लिखी रखु पर ठाक करी समेत ही आज वाणी की विराम दवा प्रभु नाम नहीं हरिहरी हो सा पाप ताप नरण सारोज पादे शरण सारोज पादे ये तो बड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि बेदे न मिलंती हरि बेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सखी यानी आज पाई विदाय दियंतु पुणी आसंदा अध्याय भेट हवा रहुचु हरिओं शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्स